आज हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जो होगा वो आपके दोस्त के लिए हो सकता है, लव के लिए कोट कर सकते हो, एक्स हो सकता है, क्रश हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी इंसान, रिलेटिव, जो भी इंसान आपके मन में चल रहा हो, कलीग्स, तो उसके लिए रीडिंग है। आप उस इंसान के चेहरे को अपने माइंड में लो और देखते हैं ये इंसान आपको लेके क्या थॉट्स रखते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको फोकस करना है उस इंसान के चेहरे के ऊपर और हम देखेंगे कि क्या ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या इंसान आपके बारे में सोचते हैं, इसको क्लेम करने के लिए आज आप लोग 1313 नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। सबके लिए जनरल रीडिंग है, ऑल एज ग्रुप, एवरीबडी कैन डू इट। माने लेट्स सी, ये इंसान आपको लेके सोचते तो है, ठीक है, ये इंसान आपको लेके सोच रहे हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा कार्ड आया है एंड साथ साथ मन में इमोशंस भी है एंड एट द सेम टाइम एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ में करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एक नया बिगिनिंग आपके साथ में चाहते हैं ये। चलिए देखते हैं इनके मन में आपको लेकर कैसी थॉट्स है। अच्छा, अभी थोड़े से हो सकता है कि स्ट्रेस में हो, अपने मन के भावनाओं को छुपा रहे हो, ठीक है, थोड़े से कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे पड़े हो, ऐसा संभावना है मुझे दिख रही है। साथ साथ थोड़े से दुखी भी दिख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम परेशान भी हैं, ठीक है। ये इंसान अपने पेशेंस को अभी होल्ड बैक करके रखे हुए हैं। क्या ये आपके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या कोई भी फीलिंग्स है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर एंड फीलिंग्स तो है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो फिलहाल चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर कार्ड ये दिखा रहा है कि ये सडनली अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 महीने के भीतर आप लोगों की चीज़ें ठीक हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड केयरिंग एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, एंड आगे कैसा रहेगा, आगे की भी मुझे चीज़ें दिख रही है कि दोनों के बीच में बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है, चीज़ें बैलेंस होगी। अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों के तरफ, कोई मीटिंग दिख रहा है, कुछ बहुत हैवी एनर्जी आते हुए दिख रहा है एंड मुझे ये भी दिख रही है कि थोड़ा सा सैडनेस एनर्जी है, बट समय के साथ साथ चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। एक गाइडेंस देखते हैं कि ये इंसान के प्रति मन में आपको लेकर जो भी सिचुएशन है इसको लेकर आपको क्या चाहिए। डोंट स्टॉप, आपको इसके प्रति जो दोस्ती है उसको स्टॉप नहीं करना है। सक्सेस मिलेगा, यस, रिकवर होगा, चीज सिचुएशन बेहतर होगी, नो नीड टू वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव इफ़ यू बिलीव एंड यू नीड टू मेडिटेट इन दिस सिचुएशन, ठीक है। लेट गो कर दो, नेगेटिविटी को लेट गो कर दो, कुछ लोग हेल्प करेंगे, ठीक है, एंड यू नीड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, दोनों के बीच में पीसफुल सिचुएशंस आएंगे, ठीक है, जो भी मन की बातें हैं क्लियरली बता सकते हो। तो यही तक है आज का जनरल रीडिंग, ठीक है। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मैं टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ, साथ साथ वैदिक वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी से भी मैं प्रेडिक्शन प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी सवाल पूछना तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।